अबे क्या मुंह उठा के अपनी बहन की बर्थडे पे आ जाता है केक लेके। इसे कहते हैं गिफ्ट, ये तू लाया अपनी बहन के लिए। अबे देख, इसे कहते हैं गिफ्ट, गोल्ड की इयररिंग से ये। मैं इस साल इसे गिफ्ट कर रहा हूँ, तूने कभी करा है? तेरी औकात भी नहीं है ये। राजा, क्या चाहिए? सच था जो तुम्हें और तुम्हारे भाई को समझना चाहिए। अरे शादी हो गई तुम्हारी, तुम दोनों बच्चे नहीं रह गए हो। अपनी लोती बहन के बर्थडे पे ला क्या रहा है ये केक? राजा, अभी वो नौकरी नहीं करता और जो भी लाया प्यार से लाया मेरे लिए। और रही बात गिफ्ट की वैल्यू उसके पैसों से नहीं, उसके पीछे छुपे प्यार से होती है। और मुझे पता है कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। वैल्यू की बात कर रही हो, जरा मुझे भी बताओ कि क्या वैल्यू इस केक की? अरे आज खाओगी कल खत्म, बस इतना ही रह गया है। अरे वैल्यू है तो इस गोल्ड की इयररिंग्स की, जो इन फ्यूचर तुम्हारे काम भी आएगा। आज तुम्हारे काम आ रहा है, कल तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। अरे कभी जरूरत पड़ी ना तो तुम इसे बेच के पैसे भी ला सकती हो। ये गिफ्ट देना चाहिए तुम्हारे भाई को तुम्हें, ना कि ये सड़ा हुआ केक। आज आपने जो मेरी बेइज्जती की है ना जीजा जी, आप एक बात ध्यान रखना, अगले साल आपसे भी महंगा गिफ्ट दूंगा मैं अपनी बहन को। डायमंड के इयररिंग्स लाऊंगा, डायमंड के। क्यों नहीं भाई, लाना अपनी बहन के बर्थडे पे महंगा गिफ्ट, जरा मैं भी तो देखूंगा अगले साल क्या लाता है ऐसा। उज्जवल, जा रहा हूँ दीदी, अगले साल आऊंगा आपके बर्थडे पे डायमंड के इयररिंग्स लेके। उज्जवल, उज्जवल मेरी बात तो सुन, क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, और वो भी आज। तुमने ना मेरा पूरा बर्थडे स्पाइल कर दिया, खराब कर दिया तुमने मेरा आज का दिन। अरे कहाँ कुछ खराब हुआ है यार, तुम्हारा बर्थडे मना तो रहा हूँ, देखो केक भी लाया हूँ। आ जाओ साथ में बैठ के केक काटते हैं। आ जाओ। हाँ करूँगा ना भाई, जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूँगा अपनी दीदी के लिए, और उनको कुछ बन के दिखाऊँगा। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है यार, सक्सेसफुल बनना है। तो मुझे बता दियो भाई कौन सी जॉब है, मैं करूँगा। कहाँ देख रहे हो यार, तुम्हारा भाई नहीं आएगा यहाँ पर। अरे मैंने उसे चैलेंज दिया था ना, वो पूरा ही नहीं कर पाया होगा, निकम्मा कहीं का। यार केक काटो यार, टाइम हो रहा है। आ गया। दीदी, मैं अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाया। इस बार ये चांदी के टोप रख लो, लेकिन आप टेंशन मत लेना, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अगली बार आपको डायमंड के इयररिंग्स ही गिफ्ट करूँगा। क्या बात है भाई, हाथ में गिफ्ट और लेटर, क्या हुआ? भेज दिया तुम्हारे भाई ने डायमंड के इयररिंग्स? नहीं, चांदी के लाया है। चांदी के रिंग्स? अरे ये तो वही बात हो गई ना, मुंह और मसूर की दाल। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था, मुझे चैलेंज देके गया था, और भेजा क्या ये चांदी के रिंग्स। उसके बस की कुछ भी नहीं है, बस डींगे अकवा लो। कोई बात नहीं, तुमने जो उसको मोटिवेशन दिया है ना, वो उसकी वजह से कभी ना कभी अपना वादा जरूर पूरा करेगा, बेशक से वो अगले साल ही क्यों ना हो। क्या बोल रही हो, मैंने कौन सा मोटिवेशन दे दिया उसे? मैं जानती हूँ तुमने ये सब उसकी भलाई के लिए किया था, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और कुछ सीख सके। मैं उस दिन ही समझ गई थी जब तुमने उसको बेवजह डांटा था, क्योंकि तुम ऐसे हो ही नहीं। मैंने उसे उस दिन बेवजह नहीं डांटा था, उसके पीछे एक वजह थी। अरे नहीं यार, ये जो वो मैं नहीं करने वाला, करूंगा तो अपना बिजनेस करूंगा, और ना घर पे बैठा ठीक हूँ भाई मैं। ऐसे भी अपने जीजा पे पैसा बहुत है यार, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, घर बैठे इंजॉय चल रहा हमारा तो। हाँ चल ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई के बारे में इतना सोचने के लिए। कैसी बातें कर रही हो यार, वो तुम्हारा भाई है। अरे मेरा भी तो कुछ लगता है ना, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो, जब तक वो अपना वादा पूरा ना कर लेना, उसको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए बस।